लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार बेलीपार थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र के महावीर छपरा चौराहा, सेवई बाजार, बेलीपार कस्बा, कसिहर चौराहा, मलाव आदि प्रमुख चौराहों पर पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। पैदल गश्त के दौरान बेलीपार थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने आम जनमानस से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अपने परिवार के साथ घरों के अंदर रहने के साथ साथ अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप लोग घरों से बाहर ना निकले। SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन के समय सीमा बढ़ाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त कर लोगों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की जा रही है। लोग जागरूक हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आग्रह किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहिए, घर के सामने बैठते हैं, उचित दूरी बना के बैठिए। बाजार मास्क तो नहीं है ना, इसमें कोशिश किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि हम लोग लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें। आप लोगों को सूचित किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, आवश्यकता और अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए, नहीं मास्क है रुमाल अंगूठी जो भी है उसका प्रयोग करें। आगे ले बैंक से आप लोग, चलिए दोनों वेरी नाइस और बढ़िया सोचा। कहाँ कौन सी बैंक है? फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही है कि जो लॉकडाउन है और ये एक्सटेंड हो रहा है तो पब्लिक इतना जागरूक रहे कि क्या उनको लिमिटेशन है, जैसे कि पहले से बताया जा चुका है कि मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ये चीज़ अनिवार्य है, अभी ये चलता रहेगा। और इसको दृष्टिगत रखते हुए और जो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है सर, ग्रामीण क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जाएगा? हाँ, फ्लैग मार्च किया गया है, अभी कल किया जाएगा, आज भी किया गया, रोज भी किया जाएगा। ये